स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों जैसा कि एसएससी जेई का पेपर वन 2019 वाला सेशन का 1 मार्च के दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, बट आपके आंसर की फाइनल वाली और आपके मार्क्स जो कैंडिडेट के वो डिस्प्ले नहीं हुए थे वो अब आपको मिल जाएंगे। आप लोग लॉगिन करेंगे, आपको मार्क्स आपके दिख जाएंगे और आप अपनी फाइनल आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 8 तारीख से 28 तारीख तक, यानी 8 मार्च से 28 मार्च तक आप लोग ये सब चीज़ें कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपने फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जितने भी कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं, जो आए थे रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड होकर मार्क्स, वो सब लोग अब देख सकेंगे, ठीक है। लॉगिन करना सिंपली इस लिंक से जो दी गई है बॉटम में, इस पर लॉगिन करके आप लोग अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि आपके अलग अलग शिफ्ट के आप लोग कैंडिडेट्स होंगे, बट अगर 30 वाली शिफ्ट जितने भी कैंडिडेट थे, ठीक है, 30 तारीख को जिनका पेपर था, खास करके सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट वालों का 30 तारीख का जिनका पेपर था, वो प्लीज़ या तो टेलीग्राम पर आ जाइए या फिर आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा। टेलीग्राम पर हालांकि सब लोग ही आ जाइए वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के जनरली एक नॉर्मल इन नॉर्मल कितने नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स बढ़े, क्योंकि वो पेपर शिफ्ट जो थी बहुत हार्ड थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो अब जो चीज़ें थी, ये चीज़ें थी जो सिविल वालों का पेपर जो हार्ड आया था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने चाहिए, पर फिर भी कितने हद तक हुए वो ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर बता सकते हैं, जहाँ भी आप चाहे बता दीजिएगा। तो बाकी जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट, अब जब एसएससी जेई 2020 वालों की, तो अभी तो डेट देखिए वही अभी तक है जो भी है। अब फिलहाल अब जो भी अपडेट आएगी एसएससी की तरफ से देखते हैं, हालांकि उस तारीख को नहीं होना चाहिए क्योंकि गैप नहीं हो रहा है मेंस और पेपर वन के बीच में, तो डेट आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होनी चाहिए, पोस्टपोन होनी चाहिए, आगे मतलब एक्सटेंड होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो भी अपडेट होगी अब बता देंगे। फिलहाल अभी वही इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी आई नहीं है कहीं से भी कि अब वो डेट के बारे में कुछ ऐसा एसएससी सोच रहा है या फिर किसी भी नोटिस में एसएससी की तरफ से किसी भी तरह से कुछ नहीं कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि डेट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाए, हालांकि कई लोग चाहते हैं कि उसी तारीख को हो पेपर, बट फिर भी एक एज यूजुअल एक नॉर्मल हम बात करें, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, एक मैनर होना चाहिए एग्जामिनेशन कंडक्शन का। अगर जैसा कि सेम ही पेपर है और दोनों ईयर का पेपर एकदम क्लैश हो रहा है तो वो गलत बात है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर गैप होना कंपलसरी है, होना चाहिए, तो ऐसे से कोई चीज़ समझनी चाहिए। और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हमें बहुत जल्द पता चल जाए, तो जब भी अपडेट मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। एंड सिविल जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स थे, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके कितने नॉर्मलाइजेशन हो गए, इन जनरल कितने मार्क्स आपके नॉर्मलाइज होके इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि बाकी शिफ्ट में लगभग 5-6 या 6 से 7 मार्क्स या 10 नंबर ऐसे कुछ इंक्रीज़ हुए हैं, बट उस शिफ्ट में सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के कम मार्क्स थे और लगभग 20 मार्क्स कम थे, और 20 मार्क्स कम थे फिर भी उनका सिलेक्शन मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नाम आ गया था जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो काफ़ी उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में, जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।